अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनवी टेक्नोलॉजी। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ऑनलाइन टाइपिंग जॉब। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ऑथेंटिक और रियल वेबसाइट बताने वाली हूँ जहाँ पे आप जो है वो टाइपिंग करके जो है ना वो एक दिन का जो है $40 इजीली से कमा सकते हैं। ये वेबसाइट जो आपको बताने जा रही हूँ रियल है या स्कैम, इसका भी मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगी। और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो आप जस्ट टाइपिंग नहीं कर सकते, आप टाइपिंग भी कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हैं, डाटा एंट्री की जॉब्स भी आपको मिलेंगी सिर्फ एक ही वेबसाइट पे। और यहाँ पे आपने अकाउंट जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो क्रिएट करना है। तो आपको मैं इस वीडियो में अकाउंट भी क्रिएट करके बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्लाइंट को किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से क्लाइंट को बताना है कि मेरे पास ये स्किल है, मैं यहाँ पे जो है आपका काम कर सकता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हम चैनल पर नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है ना आपको मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। बात हम करने जा रहे हैं वेबसाइट की जो जहां से हमने टाइपिंग जो है वो काम लेना है। उस वेबसाइट का नाम है ग्लास डोर। गूगल पे मैं गई, वहां पे मैंने लिखा ग्लास डोर, तो फर्स्ट वेबसाइट ये वाली ओपन हो गई। हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कहीं वेबसाइट स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो हम इसको जो है सिंपल क्या करेंगे, स्कैम एडवाइजर के ऊपर चेक कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई आपसे ही कहता है कि आपको जो है ये ऑनलाइन काम, सबसे पहले तो अगर तो आपसे कोई कहता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो तो आपने पैसे कमाना, तो इन्वेस्टमेंट वाला काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, कहीं भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। फ्रीलांसिंग में जो है ना और ये ऑनलाइन काम में बहुत ज़्यादा आजकल फ्रॉड चल रहे हैं, लोग पैसे लेकर जो है ना वो आपको लूट लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है इस चीज़ को पता करना है कि ये काम फ्रॉड तो नहीं है। तो आपने सिंपल क्या करना है, स्कैम एडवाइजर पे जाना है, जो वेबसाइट चेक करनी है उसका जो है वहाँ पे आपने नाम या लिंक जो है ना वो डाल देना है, उसको चेक करते हैं कि ये फ्रॉड है या स्कैम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रस्ट रेटिंग जो है ना वो हाई है और इसका जो है ट्रस्ट स्कोर जो है ना 100/100 है। इसका मतलब ये है कि आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, इससे आप जो है ना वो पैसे कमा सकते हैं, इस पे आपको स्कैम फ्रॉड का मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया ग्लास .com पे। उसके बाद जो है वो आपसे आप यूजर ईमेल और पासवर्ड पूछते हैं, तो आपने क्या करना है कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना है। आपने इसको अपने गूगल के साथ जो है ना वो साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगी, वेलकम टू ग्लास डोर, वी आर ग्लैड यू आर हेयर। तो अब यहाँ पे आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है कैटेगरी, आपने एम्प्लॉयड में पे सिलेक्ट करना है, नॉट एम्प्लॉयड और स्टूडेंट। अगर आप एम्प्लॉयड है एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करेंगे, नॉट एम्प्लॉयड है और स्टूडेंट है तो आप अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने नॉट एम्प्लॉयड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है मुझे जो है वो ऑनलाइन टाइपिंग जो है ना वो ऑनलाइन टाइपिंग से रिलेटेड जो है ना मुझे काम चाहिए, ऑनलाइन टाइपिंग जॉब चाहिए मुझे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ना आपने डिजायर जॉब लोकेशन जो है ना आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना तो वहां से हम लोग जो है ना कंट्री खुद ही सिलेक्ट कर लेंगे हमें किस कंट्री में और किस सिटी में जो ना काम करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लाइक जिस तरह मैंने रैंडमली मैंने इसको जो फिलअप किया है कि मैं यहाँ पे जो है वो लिख दिया मैंने लाहौर पाकिस्तान, तो कंटिन्यू मैंने क्लिक कर दिया। मैंने जस्ट रैंडम ये फॉर्म आपसे पूछेंगे या आपने जो है ना इनके इसको थोड़ा थोड़ा बताते जाना है कि अब आपने पूछा है कि रिसेंट एम्प्लॉयर वहाँ पे आपकी क्या डेस्टिनेशन थी जहाँ पे आप काम करते हैं, तो आप जो आपका डेस्टिनेशन थी आप वो लिख लिएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मार्केटिंग मैनेजर की, मार्केटिंग मैनेजर। फिर उसके बाद जो है ईयर आपसे पूछा जाएगा, आपने 2021 मैंने वहाँ पे काम किया था। उसके बाद रिसेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप जो थी वो मैंने लिख दिया, फुल टाइम मैंने क्लिक कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हाट वाज योर सैलरी एट द मार्केटिंग मैनेजर, आप बता सकते हैं कि मेरी सैलरी कितनी थी। आप जो आपकी सैलरी वहाँ पे क्लिक करके पर ईयर के हिसाब से, पर आर के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो है आपसे पूछा जाएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कितने साल आपने वहाँ पे काम किया, तो 2 ईयर या 3 ईयर जितनी आपने काम किया वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दें तो ये आपने फॉर्म फिल कर दिया। तो अगर आपसे ये फर्दर आपसे जॉब से रिलेटेड पूछेगा कि आपके क्या रिव्यूज थे अपनी जॉब रिलेटेड, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद जो है आप देख रहे हैं आपके सामने अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो गया है। थैंक्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग जॉय योर इनसाइडर असेस, मैंने डन पे क्लिक कर दिया। डन पे क्लिक करने के बाद जो है ना मेरे ये आपके सामने जो है ना ये अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है ग्लास डोर का। और यहाँ पे जो है वो जॉब के लिए किस तरह अप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको सर्च बार नजर आ रहा है सर्च फॉर द जॉब टाइटल, यहाँ पे आपने जॉब का टाइटल लिखना है जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने जॉब के बारे में लिखा कि मुझे ऑनलाइन
टाइपिंग जॉब चाहिए, ऑनलाइन टाइपिंग वर्क जॉब ये सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद जो है मैंने लोकेशन सिलेक्ट की कि मुझे किस लोकेशन चाहिए। जिस तरह फाइवर में होता है ना कि आपको जो है वो ज्यादा पैसे, ज्यादा डॉलर तब मिलते हैं जब आप यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया की जो है उनको सिलेक्ट करें लोकेशन को। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो है लोकेशन यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट कर लेनी है, जिस जहाँ आप जो है ना चाहते हैं कि मुझे जो है ना रेवेन्यू मेरा ज्यादा जनरेट हो, आप उस लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है वो आप देखेंगे, जब आपने ये लोकेशन जो है ना वो सिलेक्ट की तो आपके सामने इंटरफेस ओपन हो गई। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फिल्टर्स नजर आ रहे हैं, यहाँ में से आप में से हर फिल्टर आपने अप्लाई करना है कि ऑल जॉब टाइप आप कौन से जॉब करना चाहते हैं, क्लास डोर पे पार्ट टाइम करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं, फिर उसके बाद पोस्टेड एट ए टाइम, ये सब फिल्टर आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा आपकी पेमेंट का, कि आप कितनी रेंज में चाहते हैं कि आपको जो है ना वो पैसे मिले। आप अपनी रेंज जो है ना बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है जो आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद जो है मोर पे मैंने क्लिक कर दिया। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे एंड पे एक ऑप्शन नजर आ रही है, वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम को हम रिमोट वर्क कहते हैं, कि हमें रिमोट वर्क करना है। तो मैंने ये वाला फिल्टर अप्लाई कर दिया कि मुझे रिमोट वर्क चाहिए ग्लास डोर पे। तो ये फिल्टर अप्लाई करने के बाद जो है वो जॉब सिर्फ जस्ट वही जॉब यहाँ पे शो होगी जो रिमोट वर्क होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जॉब पोस्ट हुई हुई है 24 आवर्स अगो। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये जब जॉब अपनी पोस्ट करते हैं ना, तो फाइवर पे जिस तरह आपको अपने क्लाइंट से जो है ना पूछना पड़ता है ना कि भाई आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप किस तरह के काम चाहते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल क्लाइंट ने आपको खुद ही बताई हुई है कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ये कह रहा है कि आपकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए। यू विल बी प्राइमली डूइंग अ डाटा एंट्री ऑफ क्लेम इन्फॉर्मेशन, आपको डाटा एंट्री का काम आना चाहिए। उसके अलावा जो है फॉलो अप ऑन मिसिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये आपसे कह रहा है कि आपसे हमें क्या रिक्वायर है, अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी ये है कि हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद 6 मंथ टू 1 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर की स्किल होनी चाहिए और टाइपिंग स्किल होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने उनको बताया यहाँ पे टाइपिंग वर्क ही होता है, और यहाँ पे जो उनका प्रोजेक्ट है वो भी टाइपिंग से ही रिलेटेड है। तो इनको टाइपिंग से रिलेटेड जो है ना वो बंदे चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए जो टाइपिंग कर सके। उसके बाद जो है फर्दर जो है ना आप जो है ना पढ़ सकते हैं ये सारी रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट की। तो सेकंड यहाँ पे आप जॉब यहाँ देख सकते हैं 227 ऑनलाइन टाइपिंग जो है यहाँ पे जॉब है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, 227 जॉब्स हैं जहाँ आपको लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, अच्छी जॉब है, आप उनकी रिक्वायरमेंट पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है अप्लाई करने की, अप्लाई किस तरह से करना है। यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो समटाइम तो ये होता है कि उन्होंने ये जब अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं ना, तो वो उनकी पूरी वेबसाइट ही आ जाती है, आप उनकी वेबसाइट से ना अप्लाई करते हैं। जिस तरह अब ये यहाँ पे ओपन हो रहा है उनकी वेबसाइट ना, तो उन्होंने वेबसाइट के अंदर ही ऐड किए होते हैं कि अब यहाँ से अप्लाई करें। लेकिन अगर आप जो है ये देखें अप्लाई नाउ, यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट में ही आपने बताया हुआ है कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव रिमोट वर्क है, उसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, व्हाट वी ऑफर यू, व्हाट यू विल डू, ये सारी आपकी व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि हम लोग क्या चीजें चाहते हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद जो है अभी आपसे कह रहे हैं एबिलिटी टू टाइप अ मिनिमम 40 WPM, मतलब आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप 40 WPM टाइप कर सकें। आपके पास कंप्यूटर की स्किल होनी चाहिए और जो है ये आपके पास डाटा एंट्री स्किल होनी चाहिए। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग जो है फर्दर देख लेते हैं और कौन कौन सी यहाँ पे जॉब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक जॉब है, ये है सीजनल एडमिनिस्ट्रेटर एवेलुएटर की यहाँ पे जॉब है। उन्होंने बताया हुआ है कि कब आपने ओपन डेट कब है और जॉब के टाइटल क्या है, उसके बाद हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और यहाँ पे आपको ये भी बताती जाऊँ, यहाँ पे जो जॉब पोस्ट करते हैं ना, ये कंपनी का पूरा डाटा यहाँ पे जो है ना वो शो होता है कि ये कंपनी जो है ना एवरेज बेस सैलरी एस्टिमेट इनका कितना है। उसके बाद कंपनी के रिव्यूज यहाँ पे शेयर किए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि कंपनी के रिव्यूज अच्छे हैं, उसकी रेटिंग अच्छी है, 4-5 है, तो हमें आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी रेटिंग जो है ना 4.2 है, मतलब यहाँ पे जो कंपनी का जो वो है CEO है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, इसलिए यहाँ पे जो वो स्कैम के जो है ना वो चांसेस जो है ना बहुत कम होते हैं। आप कंपनी के रिव्यूज भी चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए हैं, आप भी सब चीज़ें पढ़कर जो है ना अप्लाई करेगा, अगर आपको लगता है कि मैं इसका जो है वो सूटेबल हूँ या कंपेटेबल हूँ। अब आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया, जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ भी इनका जो है वो वेबसाइट का जो है लिंक जो है ना वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सिंपल आपने अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने सारी डिटेल दी हुई है कि आपके पास क्या क्या जो है ना वो चीज़ें होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं।
तो यहाँ एक तो ये बात यहाँ पे ये हो गई, एक कुछ लोग जो है यहाँ पे आपको नजर अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना। कुछ लोगों ने वेबसाइट डाली होती है, चले मैं आपको यहाँ पे कुछ देखती हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ लोगों ने वेबसाइट का लिंक अगर ना डाला हो तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको पेमेंट मिलती है ना, वो आपको पेमेंट जो है ना पर आवर के हिसाब से मिलती है, जिस तरह आपको अपवर पे काम पैसे जो है वो आवर्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ पे $17 पर आवर के हिसाब से आपको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ मैंने क्लिक कर दिया, ये भी वेबसाइट है। मैं बस चाह रही हूँ कि ऐसी हो जहाँ पे ना आपको एक सिंपल फॉर्म भी फिलअप करना होता है, तो जस्ट आप फॉर्म फिलअप करें और आपको जो है ना वो काम मिल जाए। मैं जिस फॉर्म फिलअप वाली जॉब देखना चाह रही हूँ, फिर मैं उसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर लेती हूँ। अगर तो मिल गया ठीक है, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट जो है हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे है, एक तो मैंने पहले बताया आपको वो दे देते हैं वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर देते हैं, अप्लाई नाउ पे अपनी वेबसाइट लिंक डाल देते हैं कि यहाँ से आप अप्लाई करें। लेकिन बहुत ज्यादा जॉब ऐसी होती है कि जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, इजी अप्लाई पे क्लिक करते हैं, तो आपका ये वाला फॉर्म जो है ना ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को आपने फिलअप करना होता है, यहाँ पे आपने नेम अपना डालना होता है, उसके बाद ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और सिटी और कंपनी, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना होता है, रिज्यूम। आप कोशिश करें जब भी आप फ्रीलांसिंग की जॉब करते हैं तो आप अपना एक फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जाना एक रिज्यूम बना कर रखें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक रिज्यूम अपना सीवी यहाँ पे आपने अपलोड करना, और उसके बाद आपने जॉब के लिए अप्लाई कर देना कंटिन्यू पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना वो अपने क्लाइंट को अप्रोच करना है अपना सारा डाटा प्रोवाइड करके। बात यहाँ पे हो गई ऑनलाइन टाइपिंग वर्क की। उसके अलावा मैंने आपको बताया था यहाँ पे डाटा एंट्री का भी अच्छा खासा काम आता है इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाटा एंट्री की मुझे जॉब चाहिए, और वो भी यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की कंट्री सेलेक्ट कर लें कि आप किस कंट्री में काम करना चाहते हैं, यूनाइटेड में करना चाहते हैं या फिर किसी और कंट्री में आप काम करना चाहते हैं, तो वो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक फिल्टर भी अप्लाई कर दूँ मोर पे कि ये मुझे वर्क फ्रॉम होम, मुझे वो काम चाहिए जो रिमोट वर्क हो, तो वो मैंने फिल्टर अप्लाई कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जॉब है रिमोट वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री, यहाँ पे डाटा एंट्री की जॉब है। उसके बाद आप इनकी सारी रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिएगा कि इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप एज अ फ्रीलांसर यहाँ पे अप्लाई करते हैं, काफी लंबा चौड़ा इन्होंने यहाँ पे लिखा होता है कि देखिए यहाँ पे आपको ये फायदा है कि फाइवर पे आपको आपका क्लाइंट नहीं बताता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बाजू का तो आपका ऑर्डर भी कैंसिल कर देता है कि भाई मुझे इस तरह का काम नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको ये फायदा है, एक तो ये वेबसाइट ऑथेंटिक है, सेकंड यहाँ पे ये जो कंपनीज जो एजेंसी जो पोस्ट कर रही है ना, उनके रिव्यूज आपके साथ शेयर किए जाते हैं कि भाई इनका काम किस तरह से रहा है, ये लोग किस तरह से लोगों को पे करते हैं। तो आप रिव्यू से भी चेक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है कितनी ज्यादा डाटा एंट्री की जॉब जो है वो नजर आ रही है यूनाइटेड स्टेट की रिमोट वर्क, मतलब आप घर बैठ के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डाटा एंट्री की जॉब है, लाइक जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप यहाँ पे आपको कितना पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड सैलरी जो है $15 से $17 पर आवर, आपको पर आवर के हिसाब से यहाँ पे पैसे जो है ना वो पे किए जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ना जॉब फुल टाइम है, शो मोर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद जॉब फुल टाइम है, सैलरी बता दी, स्केड्यूल बता दिया, एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि डाटा एंट्री में जो है वो आपका एक्सपीरियंस 2 ईयर का होना चाहिए। मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि यहाँ पे ये चीज मजे की है कि यहाँ पे जो आपका क्लाइंट है ना वो आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर देता है। अगर आपको लगता है कि मैं इसका कंपेटिबल हूँ या मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए, मेरे अंदर ये स्किल है, तो आप अप्लाई कर दे। तो 2 ईयर का डाटा एंट्री का एक्सपीरियंस चाहिए, और वर्क लोकेशन क्या, रिमोट वर्क चाहिए आपको ना। तो ये थी ऑथेंटिक वेबसाइट जहां से आपने टाइपिंग वर्क भी ले सकते हैं, डाटा एंट्री भी ले सकते हैं, और कंटेंट राइटिंग की भी जॉब जो है ना वो गेन कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।